नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। घर में बड़े बुजुर्ग के मुंह से एक चीज जो आपने अक्सर सुनी होगी वह ये है कि कुछ खाओ ना खाओ दाल और सब्जी जरूर खानी चाहिए। खासकर दाल को लेकर लेक्चर तो आपने घर में हर किसी ने सुने होंगे। दाल में प्रोटीन होता है, दाल खाने से बाल अच्छे होते हैं, दाल खाने से स्किन ग्लो करता है, कई ऐसी कई तरह की बातें। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स कहते हैं कि दाल खाना अच्छा तो होता है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। ये बात सुनकर किसी का भी दिमाग एक पल में चकरा जाएगा। आखिर दाल में ऐसा क्या है जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है? डॉक्टरों के मुताबिक हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर काफी असर करता है। जैसे फाइबर से भरपूर खाना, मोटा अनाज, साबुत अनाज, फल और सब्जियां, यह हमारे पाचन क्रिया में काफी हद तक प्रभावित करता है। ऐसे में हमें खाते वक्त पूरा ध्यान देना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। खाने की यह चीजें तुरंत पेट में पच जाती हैं। फ्रेगमेंटेड फूड, दही, मसालेदार खीरे सहित प्रोबायोटिक वाले खाने पेट के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं। वे आंत में फायदेमंद बैक्टीरिया को संतुलित का समर्थन करते हैं और बीमार करने वाले बैक्टीरिया से सुरक्षित रखते हैं। पाचन में सुधार करते हैं और सूजन और गैस को कम करते हैं। साबुत अनाज जिसे हम साबुत गेहूं, जौ और एक प्रकार का अनाज ब्राउन राइस, पॉपकॉर्न शामिल है, पोषक तत्व और फाइबर से भरपूर होता है। आपके पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छे फल सेब, नाशपाती, केला, रस भरी और पपीता है, क्योंकि इनमें फाइबर के साथ साथ पोषक तत्व से भरपूर पानी भी होता है। पाचन के लिए सबसे खराब है ये खाना, तला हुआ खाना, मिठास, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, दाल और फलियां, ये कभी कभी पेट में दर्द पैदा कर सकते हैं। जो लोग गैस के प्रति संवेदनशील हैं, उन्हें खाना पकाने के सोडा के साथ भिगोने और प्रेशर कुकर करने की सलाह दी जाती है जिससे गैस कम बनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।